मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे। सुनील जी, आज की तारीख में हर किसी को गोरा रंग चाहिए, वो सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है जहाँ पे वो सांवला रंग मांग रही है। हम इस प्रोग्राम में कई बार चर्चा कर चुके हैं, फिर भी उनके बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम होगा। एक बार फिर आपके सम्मुख हैं गुलजार। गोरे रंग के बजाय श्याम रंग चाहिए, क्योंकि श्याम रंग में रंग कर ही अपने प्रिय के पास तक पहुंचा जा सकता है। आप सबको आदर पूर्वक नमन और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी को। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछले हफ्ते हमने मजरू सुल्तानपुरी के गीत रहे ना रहे हम के अध्यात्म पर चर्चा की थी, फिल्म थी ममता। आज जिस गीत में हम अध्यात्म की खोज करेंगे उसके लेखक के बारे में हम इस प्रोग्राम में कई बार चर्चा कर चुके हैं, फिर भी उनके बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम होगा। एक बार फिर आपके सम्मुख हैं गुलजार। उनका जन्म एक सिख परिवार में संपूर्ण सिंह कालरा के रूप में माखन सिंह कालरा और सुजान सिंह कौर के यहाँ दीना जिला झेलम जो वर्तमान पाकिस्तान में वहां हुआ था। स्कूल में उन्होंने टैगोर की रचनाओं का अनुवाद पढ़ा था, जिसे उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक के रूप में वर्णित भी किया। विभाजन के कारण उनका परिवार अलग हो गया और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो बॉम्बे आ गए। संपूर्ण सिंह कालर ने जीविकोपार्जन के लिए बॉम्बे में कई छोटी मोटी नौकरियां की, जिनमें से एक विचारे मोटर्स के गैरेज में थी। वहां वे दुर्घटनाग्रस्त कारों को पेंट करके रंगों को मिलाकर ठीक करते थे। उनके शब्दों में, मुझे रंगों की आदत थी। उनके पिता ने शुरू में एक लेखक होने के लिए उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने अपना कलम नाम गुलजार दीनवी और बाद में बस गुलजार रख लिया। राज्यसभा टीवी के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने एक चित्रकार के रूप में अपने काम का आनंद लिया, क्योंकि इससे उन्हें एक साथ पढ़ने लिखने और कॉलेज में भाग लेने और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी PWA के साथ जुड़ने का समय मिला। PWA की रविवार की बैठकों में बातचीत के दौरान शैलेंद्र और बिमल रॉय ने उन्हें फिल्मों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। गुलजार ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म निर्देशकों बिमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में की थी। उन्होंने 1963 की फिल्म बंदनी के लिए संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन के साथ एक गीतकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। फिल्मों में उन्होंने जिस समूह के साथ काम किया उसमें साहित्य से जुड़ा एक वातावरण पाया, जिसमें बिमल रॉय भी शामिल थे, जिनकी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों से भरपूर थी। शैलेन, जिन्होंने फिल्म बंदनी के बाकी गीतों को लिखा है, उन्होंने गुलजार से लता मंगेशकर द्वारा गाए गीत मोरा गोरा अंग ले ले को लिखने का अनुरोध किया। गीत प्रियतम का परमात्मा में मिल जाना सूफी काव्य की याद दिलाता है। तो आज गीतों के बोल बड़े अनमोल में हम फिल्म बंदनी के इसी गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म। हर बार की तरह चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और प्रोफेसर डॉली आउटे। नमस्कार, आपका स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और आज एक बार फिर हम स्वागत करेंगे सुनील देवधर जी का, जिनकी पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर आधारित है ये कार्यक्रम। तो आइए सुनते हैं आज का गीत। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे श्याम रंग दे दे, चुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे, मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे श्याम रंग दे दे, चुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग ले ले जी, मोहे श्याम रंग दे दे। सुनील जी, आज की तारीख में हर किसी को गोरा रंग चाहिए, वो सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है जहाँ पे वो सांवला रंग मांग रही है। ऐसा है कि भारतीय जनमानस पर और विशेषकर कला साहित्य से जुड़े लोगों पर हमारी गाथा कथा राम कृष्ण इनके चरित्र का बड़ा व्यापक प्रभाव है, और
ये गीत तो विशेषकर कृष्ण से जुड़कर कुछ बात कह रहा है। तो जब कृष्ण की चाहत है, इसलिए उस कृष्ण की चाह में उन्हें गोरे रंग के बजाय श्याम रंग चाहिए, क्योंकि श्याम रंग में रंग कर ही अपने प्रिय के पास तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए श्याम रंग प्रतीकात्मक भी है कि वो कृष्ण के रंग में रंगना चाहती है, इसलिए गोरे रंग के बजाय श्याम रंग की चाहते, यानी पूरे श्याम रंग के भाव की, ये बात है। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। चलिए सुनते हैं आगे का गीत। एक लाज रो के पैया, एक मोह खींचे भैया है। एक लाज रो के पैया, एक मोह खींचे भैया, जाऊं किधर न जानू, हमका कोई बताई दे, हो मोरा गोरा अंग ले ले, मुहे श्याम रंग दई दे, चुप जाऊंगी रात ही में, मुहे पी का संग दई दे। सुनील जी, इन लाइनों में एक और प्रेमिका की लाज शर्म उसे बाहर निकलने से रोक रही है और दूसरी तरफ उसका मन व्याकुल है मिलने के लिए, ये कैसा विरोधाभास है? क्या कहता है आपका अध्यात्म इसमें? इसमें देखिए कि एक लाज रोके पहिया, एक मोह रोके बहिया, तो नारी मन का ये स्वाभाविक भाव है कि उसमें लज्जा और संकोच है, लेकिन दूसरी ओर मोह और आकर्षण भी उतना ही तीव्र है जी। ये नारी मन का एक स्थायी भाव है कि एक ओर तो उसे बहुत लज्जा और संकोच ने घेर रखा है और दूसरी ओर मोह और आकर्षण की तीव्रता भी उतनी है। बहुत साधा एक फिल्मी गीत से आप समझ सकते हैं। एक फिल्मी गीत में आता है जिसमें नायिका की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, तो बड़े निश्चय का स्वर है। और दूसरी ओर आता है जब ये कहा जाता है कि यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है, तो उत्तर क्या है, अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। तो यहाँ दोनों बातें आप देखिए नारी मन की, कि मोह और आकर्षण कितना है लेकिन कहने का संकोच कितना है। तो यही बात इस भाव में है। और फिर राधा कृष्ण के संदर्भ में तो अनेक ऐसे भाव और चित्र उभरे हैं जिसमें एक संकोच भी है और एक तीव्रता भी है। मीरा ने तो सारे बंधन लोकलाज के तोड़ दिए कृष्ण की प्राप्ति के लिए, तो यही भाव है इस पंक्ति में भी। बहुत सुंदर। आइए सुनते हैं अगला अंतर। बदली हटा के चंदा, चुपके से झाके चंदा, बदली हटा के चंदा, चुपके से झाके चंदा, तो हेरा लागे बेरी, मुस्काए जी जलाए के, हो मोरा गोरा अंग ले ले, मुहे श्याम रंग दई दे। बदली हटाए के चंदा, चुपके से झांके चंदा, यहाँ तक तो ठीक है सुनील जी, मगर तोहे राहु लागे बैरी, मुस्काए जी जलाई के, इन लाइनों का क्या अर्थ है? पहली पंक्ति जैसा आपने कहा कि एकदम साफ है, ये तो प्रकृति में होता रहता है कि कभी बादल चंदा को घेर लेता है और उसमें से वो धीरे से बाहर निकल आता है, झांक लेता है। राहु लागे बैरी, आपने देखा कि हमारे नवग्रहों में राहु और केतु का जो वर्णन आता है ना, वो साधारण रूप से ज्योतिषी लोग क्या कहते हैं कि राहु की दशा चल रही है, यानी राहु की भूमिका विघ्न डालने की है ज़्यादातर, और इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी कि राहु केतु लगे हुए हैं इनके पीछे, ग्रहण लग गया है, ग्रहण लग गया है। तो ये बात है कि और प्रेम में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वो प्रतीक रूप में ऐसा लिया है कि राहु लागे बैरी, तो वो प्रेम में जो कुछ भी बाधा उत्पन्न हो रही है वो शायद अगर इन ग्रहों के कारण हो रही है तो भी, और फिर जब प्रेम में बाधा उत्पन्न होती है तब फिर मन में एक ये प्रश्न आता है, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम में तो खोकर ही कुछ पाना है और पाकर ही कुछ खोना है। तो यही बात है कि उसकी भी तैयारी है कि राहु यदि लगा भी है तो उसके पार जाना है। सो डिवोशनल लव की बात कही गई है। थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं आगे की लाइनें।
कुछ खो दिया है पाए के, कुछ पा लिया गवाए के, कुछ खो दिया है पाए के, कुछ पा लिया गवाए के, कहाँ ले चला है मनवा मुहे बावरी बनाए के, हो मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। सुनील जी, खोके पाना और पाके खोना, ये कैसा पैराडॉक्स है? खोना और पाना प्रेम में एक अनिवार्य शर्त की तरह है, और ईश्वरीय प्रेम में तो निश्चित रूप से ऐसा ही होता है। अपने आप को खोकर ही आप ईश्वर को पा सकते हो। वो कहा है ना कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दोन समाही। जब आप अपने में होते हो तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते, जब आप अपने से दूर होते हो, अपने से बाहर निकल आते हो, तब आप ईश्वर की उपस्थिति का एहसास करते हो, उसकी अनुभूति, उसकी प्रचिति आपको होती है। बहुत सुंदर सुनील जी, एटर्नल लव के इस सुंदर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और आज के गीतकार हैं गुलजार। 1968 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्म आशीर्वाद में गीत और संवाद गुलजार द्वारा लिखे गए। गीत के बोल और कविताओं ने फिल्म में अशोक कुमार की भूमिका को काव्यात्मक विशेषता और अति आवश्यक अतिरिक्त आयाम भी दिया। इस भूमिका के लिए अशोक कुमार को फिल्मफेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। हालांकि 1969 में बनी फिल्म खामोशी तक गुलजार के गीतों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, जहां उनका गीत हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू काफी लोकप्रिय हो गया था। 1971 की फिल्म गुड्डी के लिए उन्होंने दो गाने लिखे, जिनमें से हमको मन की शक्ति देना एक प्रार्थना थी, जिसे आज भी भारत के कई स्कूलों में गाया जाता है। एक गीतकार के रूप में गुलजार का संगीत निर्देशक राहुल देव बर्मन के साथ घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने सचिन देव बर्मन, शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन और राजेश रोशन और अन्नु मलिक के साथ भी काम किया है। 1971 में गुलजार ने फिल्म आनंद और फिल्म मेरे अपने में सलील चौधरी के साथ काम किया। फिल्म मौसम में मदन मोहन और माचिस, ओमकारा और कमीने में विशाल भारद्वाज के साथ, दिल से, गुरु, स्लमडॉग मिलियनेयर और रावण में एआर रहमान और बंटी बबली में शंकर एहसान लॉय के साथ उन्होंने काम किया। एक और मनी रत्नम रहमान हिट फिल्म दिल से थी, जिसका गीत छैया छैया भी गुलजार द्वारा लिखा गया था, जो ऑफ कोर्स सूफी लोकगीत थैया थैया पर आधारित था, जिसके बोल कवि भुल्ले शाह ने लिखे थे। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। डैनी बॉयल की हॉलीवुड फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए एआर रहमान ने गुलजार के साथ 81वें एकेडमी पुरस्कारों में जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का एकेडमिक पुरस्कार जीता। इस गीत को अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा मिली और उसे मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य दृश्य मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी मिला। उन्होंने पाकिस्तानी नाटक शहरयार शहजादी के लिए एक गीत भी लिखा था, और ये गीत तेरी रजा रेखा भरद्वाज द्वारा गाया गया था। आशीर्वाद, आनंद और खामोशी जैसी फिल्मों के लिए संवाद और पटकथा लिखने के बाद 1971 में गुलजार ने अपनी पहली फिल्म मेरे अपने का निर्देशन किया। ये फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म अपंजन का रीमेक थी। मीना कुमारी ने बेरोजगार और पीड़ित युवाओं के स्थानीय झगड़ों के बीच फंसी एक बूढ़ी विधवा आनंदी देवी की मुख्य भूमिका निभाई थी। एक लड़ाई में आनंदी देवी की मौत उन्हें हिंसा की निरर्थकता का एहसास दिलाती है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर का दर्जा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने परिचय और कोशिश का निर्देशन किया।
परिचय राजकुमार मेहता के बंगाली उपन्यास रंगीन उत्तरायण पर आधारित था और हॉलीवुड फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक से भी प्रेरित थी। उन्होंने फिल्म कोशिश की कहानी एक मूक बधिर दंपति के संघर्ष पर आधारित होकर लिखी थी, जिसमें संजीव कुमार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। बाद में उन्होंने कमलेश्वर के हिंदी उपन्यास काली आंधी पर आधारित फिल्म आंधी का भी निर्देशन किया। विभिन्न जीत और नामांकन के साथ आंधी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी जीता। हालांकि ये फिल्म इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित मानी जा रही थी, पर यह फिल्म तारकेश्वरी सिन्हा के जीवन पर आधारित थी। 1975 के आपातकाल में फिल्म को सिनेमाघरों से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों में उलझे मानवीय रिश्तों की कहानियां कहती थी। तेरी मंजिल पे पहुंचना यूं आसान था, सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहां से हम। हिंदी उर्दू कवि शैलेंद्र ने राज कपूर के कुछ हिट गीत दिए थे, आवारा हूं मैं, मेरा जूता है जापानी। बिना सत्संग के हमारा विवेक नहीं उपजता और उसके लिए भी राम कृपा से ही वो सुलभ होती है। तो लेखक निर्देशक गुलजार पर इसी जानकारी के साथ देते हैं आज के गीतों के बोल बड़े अनमोल को विराम। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।